दोस्तों एडिटिंग एक ऐसा चीज है जो आपकी ऑर्डिनरी दिखने वाले वीडियो क्लिप को एपिक लुक दे सकता है और आपके सिंपल वीडियो क्लिप्स को सिनेमेटिक बना सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कैसे आप अपने स्मार्टफोन से अपने सिंपल से दिखने वाले वीडियो क्लिप्स को बस कुछ ही स्टेप्स में सिनेमेटिक लुक दे सकते हो फिल्मोरा गो वीडियो एडिटर को इस्तेमाल करते हुए। सो ये है फिल्मोरा गो का यूजर इंटरफेस। नाउ यहाँ पर एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आप सबसे पहले ये वाला रील्स वीडियो देखो। ये अगर आप किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर बनाने जाओगे आपको फाइल्स डाउनलोड करना पड़ेगा, म्यूजिक डाउनलोड करना पड़ेगा, काफी सारे इफेक्ट्स लगाना पड़ेगा और बहुत ज्यादा एफर्ट के बाद आपका वीडियो फुटेज तैयार होगा। बट फिल्मोरा गो के अंदर इसे बनाना बहुत ज्यादा सिंपल और ईजी है। आप सिंपली ऐप के अंदर आओ, यहाँ पर टेम्पलेट्स के अंदर जाओ और यहाँ पर रील्स के टेम्पलेट्स के अंदर आपको काफी सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। कोई सा भी एक टेम्पलेट को चूज करो, वहां पर अपने फोटोज को सिलेक्ट करो और बस नेक्स्ट कर दो, आपका वीडियो फुटेज रेडी हो जाएगा, आपका रील्स रेडी हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपली और इजीली आप अपने रील्स वीडियो को तैयार कर सकती हो। एनीवे बैक टू द टॉपिक, सिनेमेटिक वीडियो एडिट करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के अंदर जाओ और अपना जो वीडियो क्लिप है उसको आप यहाँ पर से सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दो। नाउ यहाँ पर आपको चार सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं अपने वीडियो को सिनेमेटिक लुक देने के लिए। स्टेप नंबर वन, ट्रिमिंग। अपना जो वीडियो क्लिप है उसको आप ट्रिम कर दो, जो अनवांटेड एरिया है उसको आप रिमूव कर दो एंड जो बेस्ट पार्ट है अपने वीडियो क्लिप का सिर्फ और सिर्फ उसी को आप रखो। सो यहाँ पर मैंने अपने वीडियो क्लिप को आगे और पीछे की तरफ से थोड़ा सा ट्रिम कर दिया है। नाउ स्टेप नंबर टू, क्रॉपिंग। आई एम श्योर जो वीडियो क्लिप आपने रिकॉर्ड करे हैं वो 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में कैप्चर करे होंगे और जो सिनेमेटिक वीडियोस है वो 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो में नहीं होता है, 21:9 के एस्पेक्ट रेशियो में होता है। सो उसके लिए आप क्या करिए, अपना वीडियो क्लिप को आप सिलेक्ट करिए, यहाँ पर आप क्रॉपिंग के अंदर जाइए और अपना जो वीडियो फ्रेम है उसको ऊपर और नीचे की तरफ से आप थोड़ा सा क्रॉप कर दिए कुछ इस तरीके से। इसको आप अप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे आपका जो वीडियो क्लिप है वो सिनेमेटिक फ्रेम में आ जाएगा, ऊपर और नीचे की तरफ से आपको थोड़ा सा ब्लैक बार दिखाई देगा जो आपके वीडियो को लुक को चेंज कर देगा। नाउ स्टेप नंबर थ्री, कलर ग्रेडिंग। ये चाय में चीनी जैसा है, सिनेमेटिक वीडियो को अगर आप कलर ग्रेड नहीं करोगे तो उसमें सिनेमेटिक लुक बिल्कुल भी नहीं आएगा। सो उसके लिए आप चले जाइए फिल्टर्स के अंदर और यहाँ पर आप जाइए एडजस्टमेंट के अंदर। यहाँ पर वीडियो को कलर ग्रेड करने के लिए आपको काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं लाइक ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, टेम्परेचर, टिंट। इसको इस्तेमाल करते हुए अपने वीडियो क्लिप को आप कलर ग्रेड कर पाओगे, बट इसका मैं इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ। मैं जाने वाला हूँ फिल्टर्स के अंदर क्योंकि यहाँ पर आपको एनॉर्मस नंबर्स ऑफ फिल्टर्स मिल जाते हैं जो कि बहुत ही कमाल के है और इसे आप इजिली अपने वीडियो में अप्लाई करके अपने वीडियो क्लिप को कलर ग्रेड कर सकते हो। आप देखो यहाँ पर आपको काफी सारी कैटेगरी में बहुत सारे कलर ग्रेडिंग के लिए फिल्टर्स मिल जाते हैं एंड यहाँ पर ये वाला जो F10 वाला फिल्टर है ये मेरे वीडियो को बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर से सिलेक्ट करके इसको यहाँ पर से अप्लाई कर दूंगा। उसके बाद स्टेप नंबर फोर और हमारा लास्ट स्टेप जो कि है स्पीड रैंपिंग, और ये आपके वीडियो क्लिप को बिल्कुल ही एक प्रोफेशनल लुक दे देगा। सो उसके लिए आप क्या करिए, यहाँ पर आप वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करिए सबसे पहले, फिर आप जाइए यहाँ पर स्पीड के अंदर और यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देता है, एक है नॉर्मल, दूसरा है कर्व। आपको जाना है कर्व के अंदर और यहाँ पर आपको काफी सारे प्रीसेट्स मिल जाते हैं, आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके वीडियो क्लिप के साथ ये अच्छी तरीके से जा रहा है तो आप इसको इस्तेमाल करिए, अदरवाइज आप जाइए यहाँ पर कस्टमाइज के अंदर और कस्टमाइज के अंदर जाने के बाद अपना जो वीडियो क्लिप है उसको आप अपने हिसाब से स्पीड रैंप करिए। लाइक मैं अपना जो वीडियो क्लिप है उसके इस पार्ट को थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा, यहाँ पर ये जो डॉट्स है इसको अगर आप ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे तो आपका जो वीडियो क्लिप है वो फास्ट होगा और अगर आप इसको नीचे की तरफ लेकर के आएंगे तो आपका जो वीडियो क्लिप है वो स्लो होगा। तो मैं अपने वीडियो क्लिप के जो शुरुआती पार्ट है वो थोड़ा सा नॉर्मल रखूंगा, उसके बाद इसको थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा एंड देन इसको मैं काफी ज्यादा स्लो कर दूंगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर से प्ले करता हूँ तो आप देखिए लाइक मैं यहाँ पर जैसे ही मतलब चल के आगे की तरफ जा रहा हूँ, मैं स्पीड में चल के जा रहा हूँ और फिर मैं जैसे ही मुड़ता हूँ मैं स्लो हो जाता हूँ, तो ये काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया ये। तो मैं कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा और एडजस्ट करते हुए यहाँ पर से अप्लाई कर दूंगा। अभी मैं अगर आपको वीडियो प्ले करके दिखाऊँ तो आप देख सकते हो वीडियो काफी ज्यादा बेहतर, काफी ज्यादा कमाल का दिख रहा है। अभी इसके बाद आप अपने वीडियो क्लिप में कुछ एडिशनल एडिटिंग्स कर सकते हो अपने वीडियो क्लिप को बेहतर बनाने के लिए। लाइक इसमें एक सिनेमेटिक टेक्स्ट आप ऐड कर सकते हो, सो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर चले जाएंगे और यहाँ पर से अपना जो टेक्स्ट है उसको आप लिखेंगे। सिनेमेटिक टेक्स्ट लिखने का एक तरीका है, आप हर एक लेटर के बाद एक स्पेस दीजिए। लाइक मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉरेस्ट, सो यहाँ पर मैं लिखूंगा सबसे पहले एफ स्पेस ओ, इस तरीके से हर एक लेटर के बाद मैं स्पेस दूंगा। फिर सिनेमेटिक टेक्स्ट के लिए आपको जो फॉन्ट है वो मिनिमल फॉन्ट चूज करना है, कोई लाइट वेट मिनिमल फॉन्ट आप चूज कर लीजिए। लाइक यहाँ पर ये जो रोबोटो फॉन्ट है ये काफी बढ़िया दिख रहा है, तो इसको मैं सिंपली यहाँ पर से सिलेक्ट करके यहाँ पर फॉन्ट का जो साइज है टेक्स्ट का जो साइज है उसको मैं छोटा करके अपने फ्रेम के बिल्कुल ही बीचों बीच रख दूंगा। फिर चाहो तो आप टेक्स्ट में थोड़ा बहुत एनिमेशन ऐड कर सकते हो, बट मैं एनिमेशन नहीं देने वाला हूँ, इसको सिंपली यहाँ पर से मैं अप्लाई कर दूंगा और अपने वीडियो में शुरू की तरफ मैं इसको रख दूंगा।
वीडियो को और ज्यादा बेहतर करने के लिए आप यहाँ पर म्यूजिक या फिर साउंड इफेक्ट्स ऐड कर सकते हो, और फिल्मोरा गो के अंदर आपको भर भर के म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं, जिसे कि आप इजीली यूज करते हैं अपने वीडियो क्लिप को और ज्यादा बेहतर बना पाओगे। ना यहाँ पर आपको वीडियो एडिटिंग के लिए और भी काफी सारे टूल्स मिल जाते हैं, प्रोफेशनल लेवल के टूल्स मिलते हैं, लाइक यहाँ पर आपको मास्किंग मिलता है, यहाँ पर क्रोमा की का ऑप्शन मिलता है, तो इसका आप यूज कर सकते हो। बट इस वाले वीडियो क्लिप को एडिट करने के लिए मुझे और कोई चीज करने की जरूरत है नहीं, अभी मैं इसको सिंपली यहाँ पर से एक्सपोर्ट कर लूंगा। और एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, आप अप टू 4K तक यहाँ पर से अपने वीडियो क्लिप को एक्सपोर्ट कर सकते हो। बट ये वाला मेरा जो वीडियो क्लिप है उसको मैंने 1080p में रिकॉर्ड करे थे, तो मैं 1080p को ही यहाँ पर से चूज करूंगा। एंड यहाँ पर जो FPS नंबर है उसको आप मैक्सिमम 30 या फिर 24 FPS में अपने वीडियो क्लिप को एक्सपोर्ट करिए, बिकॉज जो सिनेमेटिक वीडियोज है वो 24 FPS में ही अच्छा दिखता है। तो मैं यहाँ पर 24 FPS को चूज करूंगा एंड सिंपली यहाँ पर से एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करके अपना जो वीडियो क्लिप है उसको एक्सपोर्ट कर लूंगा। सो फिल्मोरा गो इज अ ग्रेट वीडियो एडिटर फॉर स्मार्टफोन यूजर, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक दिया होगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरीके वीडियोस देखने के लिए।